इंतजार की घड़ियां खत्म। लाहौरियों के लिए सबसे बड़ी सफरी सहूलत, ऑरेंज लाइन ट्रेन का आजमाइशी रन। ट्रेन पहली बार इलेक्ट्रिक पावर की मदद से डेरा गुजरा स्टेशन से अली टाउन तक 27.1 किलोमीटर का सफर करेगी। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम में सूबाई गुजरा अरकान असेंबली, आला सरकारी अफसरान, मंसूबे पर काम करने वाले चीनी मकामी अहलकारों समेत मीडिया नुमाइंदों की बड़ी तादाद सवार। मास ट्रांजिट का सबसे बड़ा मंसूबा ऑरेंज ट्रेन तकमील के इख्तितामी मराहिल में दाखिल। 27.1 किलोमीटर ट्रैक पर 26 स्टेशन, 1000 मुसाफिरों की गुंजाइश वाली 5-5 बोगियों पर मुश्तमिल 27 ट्रेनें 22 माह की ताखीर से 4 साल में मुकम्मल होने वाली मंसूबे की खास बात 1.7 किलोमीटर तवील जेर जमीन ट्रैक करा। लग्जरी रेलगाड़ियों में भी इकोनॉमी क्लास का आगाज। जिला एक्सप्रेस के बाद ग्रीन लाइन में भी दरमियाने दर्जे की बोगियां नस्ब करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लाहौर से कराची 1950 और रावलपिंडी से 2300 रुपए का किराया मुकर्रर। सानिहा योहानाबाद में जिंदा जलाए गए दो अफराद के केस में अहम पेशरफ्त। 4 साल बाद मुदईयों की जानिब से सुलह की दरख्वास्त जमा। अदालत ने मक्तूलीन के शरई वारिसों की फहरिस्त तलब कर ली। एटीसी में समाप्त कर 40 मुलजमान जेल से लाकर अदालत पेश किए गए। फंड्स की अदम दस्तियाबी से सिक्योरिटी एसओपीज नामुकम्मल। 60 गर्ल्स कॉलेजेस समेत 110 सरकारी कॉलेजेस में से 6 माह से सिक्योरिटी गार्ड्स ही तैनात नहीं हुए हैं। नामुकम्मल सिक्योरिटी के सबब नाखुशगवार वाकये का खदशा पैदा हो गया। डायरेक्टर कॉलेजेस ने कॉलेजेस को अपने फंड से गार्ड्स मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। लाहौर जहरीले धुएं के नरगे में महकमा माहौलियात की नाकिस कारकर्दगी के सबब तारीखी शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 438 हो गया। जमान टाउन की फजा सबसे ज्यादा आलूदा। AQI 693, कजाफी स्टेडियम के एतराफ 673 रिकॉर्ड। गुलबर्ग चातमा में 617, घड़ी शाहू में 479 और धर्मपुरा में आलूगी की शरह 474 रिकॉर्ड की गई। आपके शहर में चिड़िया नजर नहीं आती। जिना बाग में चमगादड़ों के होल के होल खत्म हो गए। गंदगी और कचरे की वजह से अब चील और कब्बे नजर आते हैं। गिद्ध भी बाकी नहीं रहे। सरकार को पता है ये क्यों खत्म हुए। इस मौके के खिलाफ समाज पर जस्टिस मामू रशीद के रिमार्क्स। फ्यूल को माहौल दोस्त बनाने और आलूगी खात्मे से मुतालिक दीगर इकदाम की रिपोर्ट 2 हफ्तों में तलब कर ली। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर अहमद जावेद काजी का इंतखाबात के इनेकाद का तमाम होमवर्क मुकम्मल करने का दावा। इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन को खत इरसाल। गाड़ियों का रिकॉर्ड महफूज करने और गलत इस्तेमाल रोकने के लिए बड़ा फैसला। महकमा एक्साइज 2008 से कबल की गाड़ियों मोटरसाइकिलों की फाइलें स्कैन करेगा। डायरेक्टर हेडक्वार्टर शाहिद गिलानी की एसओपीज बनाकर भिजवाने के अहकाम। ऐप का मुलाजमीन का मुतालिबात की मंजूरी के लिए एहतजाज। लोकल गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स से सेक्रेटेरियट की जानिब एहतजाजी रैली। यूटिलिटी अलाउंस की फराहमी का मुतालिबा। मुआमला 2 साल से जेर इल्तवा रखने की भी मजम्मत। मुजाहरीन ने डेप्यूटी सेक्रेटरी एडमिन से कामयाब मुजाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया। ऐप का वफ्द आला हुकाम से 16 दिसंबर को मुजाकरात करेगा। तब्दीली इंसाफ और अवामी दादरसी के बलदवाम दावे जमीन बोस हो गए। शिकायत लेकर वजीर आला हाउस आने वाले साइलीन कोटरखाए जाने और नजरअंदाज किए जाने की शिकायत। मातहत हमले पर गलत गाइड करके ख्वार करने का इल्जाम। बैरून लाहौर से आने वाले बुजुर्ग 5 माह से जूतियां चटकाने के बावजूद इंसाफ और दादरसी से महरूम। हाई कोर्ट में 3 बच्चों के कत्ल से मुतालिक समात। एडिशनल आईजी अबू बकर खुदाबख्श, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जिशान असर पेश। जस्टिस मजाहर अली अकबर नकवी नाकिस तफ्तीश के जिम्मेदार अफसरान पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि पुलिस ने तफ्तीश में तमाम शवाहिद जाया कर दिए। जिस्मा पर कत्ल का इल्जाम है वो भी जमानत पर है। 3 बच्चों का खून रायगा नहीं जाएगा। अदालत का एसपी इन्वेस्टिगेशन की टीम को तफ्तीश में शामिल करने का हुक्म। आइन मंसूख करना और इमरजेंसी लगाना 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। आर्टिकल 6 वहां लगता है जहां आइन तोड़ा गया हो। परवेज मुशर्रफ की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस मजाहिर अली अकबर नकवी के रिमार्क्स। इस्तफसार किया कि इफाकी हुकूमत इस शिकायत को वापस नहीं ले सकती। इफाकी हुकूमत ने जवाब दिया कि ये मुश्किल है क्योंकि केस आखिरी मराहिल में है।
और तीन सेक्रेटरीज की गैर हाजिरी के सबब काबीना अजलास में एजेंडे पर बहस नामुकम्मल। कानून सासी के लिए कई अहम बिल्स पेश ना हो सके। वज़ीर-ए-आला का आला ब्यूरोक्रेसी की गैर जिम्मेदारी पर इजहार बरहमी, तंबीह जारी। काबीना ने लोकल गवर्नमेंट कमीशन के क्याम समेत कबाली इलाकों के पुलिस रूल और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में तरमीम की मंजूरी दी। इंतजार की घड़ियां खत्म। लाहौरियों के लिए सबसे बड़ी सफरी सहूलत ऑरेंज लाइन ट्रेन का आजमाइशी रन। ट्रेन पहली बार इलेक्ट्रिक पावर की मदद से डेरा गुजरा स्टेशन से अली टाउन तक 27.1 किलोमीटर का सफर करेगी। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम में सूबाई गुजरा अरकान असेंबली, आला सरकारी अफसरान, मंसूबे पर काम करने वाले चीनी मकामी अहलकारों समेत मीडिया नुमाइंदों की बड़ी तादाद सवार। मास ट्रांजिट का सबसे बड़ा मंसूबा ऑरेंज ट्रेन तकमील के इख्तितामी मराहिल में दाखिल। 27.1 किलोमीटर ट्रैक पर 26 स्टेशन, 1000 मुसाफिरों की गुंजाइश वाली 5-5 बोगियों पर मुश्तमिल 27 ट्रेनें 22 माह की ताखीर से 4 साल में मुकम्मल होने वाली मंसूबे की खास बात 1.7 किलोमीटर तवील जेर जमीन ट्रैक करा। लग्जरी रेलगाड़ियों में भी इकोनॉमी क्लास का आगाज। जीना एक्सप्रेस के बाद ग्रीन लाइन में भी दरमियाने दर्जे की बोगियां नस्ब करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लाहौर से कराची 1950 और रावलपिंडी से 2300 रुपए किराया मुकर्रर। सानिहा यूहानाबाद में जिंदा जलाए गए दो अफराद के केस में अहम पेशरफ्त। 4 साल बाद मुदईयों की जानिब से सुलह की दरख्वास्त जमा। अदालत ने मक्तूलीन के शरई वारिसों की फहरिस्त तलब कर ली। एटीसी में समाप्त कर 40 मुलजमान जेल से लाकर अदालत पेश किए गए। फंड्स की अदम दस्तियाबी से सिक्योरिटी एसओपीज नामुकम्मल। 60 गर्ल्स कॉलेजेस समेत 110 सरकारी कॉलेजेस में से 6 माह से सिक्योरिटी गार्ड्स ही तैनात नहीं हुए हैं। नामुकम्मल सिक्योरिटी के सबब नाखुशगवार वाकये का खदशा पैदा हो गया। डायरेक्टर कॉलेजेस ने कॉलेजेस को अपने फंड से गार्ड्स मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। लाहौर जहरीले धुएं के नरगे में महकमा माहौलियात की नाकिस कारकर्दगी के सबब तारीखी शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 438 हो गया। जमान टाउन की फजा सबसे ज्यादा आलूदा। AQI 693, कजाफी स्टेडियम के एतराफ 673 रिकॉर्ड, गुलबर्ग चातमा में 617, घड़ी शाहू में 479 और धर्मपुरा में आलूदगी की शरह 474 रिकॉर्ड की गई। आपके शहर में चिड़िया नजर नहीं आती। जिना बाग में चमगादड़ों के होल खत्म हो गए। गंदगी और कचरे की वजह से अब चील और कब्बे नजर आते हैं। गिद्ध भी बाकी नहीं रहे। सरकार को पता है ये क्यों खत्म हुए। इस मौके के खिलाफ समाज पर जस्टिस मामून रशीद के रिमार्क्स। फ्यूल को माहौल दोस्त बनाने और आलूदगी खात्मे से मुतालिक दीगर इकदाम की रिपोर्ट 2 हफ्तों में तलब कर ली। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर अहमद जावेद काजी का इंतखाबात के इनेकाद का तमाम होमवर्क मुकम्मल करने का दावा। इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन को खत इरसाल। गाड़ियों का रिकॉर्ड महफूज करने और गलत इस्तेमाल रोकने के लिए बड़ा फैसला। महकमा एक्साइज 2008 से कबल की गाड़ियों मोटरसाइकिलों की फाइलें स्कैन करेगा। डायरेक्टर हेडक्वार्टर शाहिद गिलानी की एसओपीज बनाकर भिजवाने के अहकाम। ऐप का मुलाजमीन का मुतालिबात की मंजूरी के लिए एहतजाज। लोकल गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स से सेक्रेटेरियट की जान में एहतजाजी रैली। यूटिलिटी अलाउंस की फराहमी का मुतालिबा। मामला 2 साल से जेर इल्तवा रखने की भी मजम्मत। मुजाहरीन ने डेप्यूटी सेक्रेटरी एडमिन से कामयाब मुजाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया। ऐप का वक्त आला हुकाम से 16 दिसंबर को मुजाकरात करेगा। तब्दीली इंसाफ और अवामी दादरसी के बलद वाम दावे जमीन बोस हो गए। शिकायत लेकर वजीर आला हाउस आने वाले सायलीन कोटर खाए जाने और नजरअंदाज किए जाने की शिकायत। मातहत हमले पर गलत गाइड करके ख्वार करने का इल्जाम। बैरून लाहौर से आने वाले बुजुर्ग 5 माह से जूतियां चटकाने के बावजूद इंसाफ और दादरसी से महरूम। हाई कोर्ट में 3 बच्चों के कत्ल से मुतालिक समात। एडिशनल आईजी अबू बकर खुदाबख्श, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जिशान असलह पेश। जस्टिस मजाहर अली अकबर नकवी नाकिस तफ्तीश।
के जिम्मेदार पुलिस अफसरान पर बरहम, रिमार्क्स दिए कि पुलिस ने तफ्तीश में तमाम शवाहिद जाया कर दिए। जिस मां पर कत्ल का इल्जाम है वो भी जमानत पर है, तीन बच्चों का खून रायगा नहीं जाएगा। अदालत का एसपी इन्वेस्टिगेशन की टीम को तफ्तीश में शामिल करने का हुक्म।